और बाहर से कुछ ऐसा है शॉप का लुक, जो लोग गंगोली आर्ट्स हैं वो तो समझ जाएंगे कहाँ पर है। बिंग करेंगे और जो भी आपके चार्जेस होंगे, चार्जेस लोगे तो वो भी दे देंगे, और फ्री कर दोगे तो फिर बात ही क्या यार। अगर किसी के पास ड्रोन हो गंगोली आर्ट में, आपके जानने में किसी के पास हो या फिर आपके पास हो जो आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना। हाँ जी, तो आज के व्लॉग की जो शुरुआत हो रही है ना, एकदम ठंडे मौसम के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो मौसम तो अभी दिखाऊंगा ही। सबसे पहले शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा माई के एक नए दिन नए व्लॉग में। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। तो सबसे पहले मौसम, भाई साहब क्या मौसम हो रहा है, देखिए चारों तरफ हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, और गंगोली हाट वैसे ही इतना सुंदर है, फिर ऐसे देखने में ना और ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। धीरे धीरे बादल छटेंगे तो इतना सुंदर हो जाएगा, देखिए गजब हो रहा है ना, गजब नज़ारा। और भागवत वाली जगह पे अभी सुनसानी सी है, थोड़ी देर में भजन कीर्तन फिर से शुरू हो जाएंगे। और आजकल देखिए सुबह सुबह ना भागवत की वजह से जो श्रद्धालु लोग हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा सीन चल रहा है। यहीं पर है मंदिर और ये रोड जाता है सीधे मेन मार्केट साइड को, तो काफ़ी जगह से लोग आते हैं जाते हैं। जिस टाइप का अभी मौसम हो रहा है ना, इस टाइप के मौसम में बचपन से जुड़ी एक याद मुझे अभी याद आ गई। मैं क्या सोचता था, जैसे ना ये देखिए चारों साइड बादल लगे हुए हैं ना, चारों साइड बादल हैं ये, तो मैं क्या सोचता था कि चारों साइड बादल हैं और जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे बादल नहीं है, तो ऐसा मतलब सोचता था मैं, बहुत लोग अभी भी सोचते होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें लगता है कि हमारे आसपास नहीं है, अगर हम वहाँ से देखेंगे तो उस एरिया में बादल नहीं होंगे और इधर साइड को पूरे बादल दिखेंगे। तो यार अभी 10 बज गए हैं, मस्त धूप खिल गई है, और सामने जो छिमाल देवी मंदिर में भागवत लगा है वो भी शुरू हो गया है फिर से, मतलब भजन कीर्तन जो भी चल रहे हैं वो सब शुरू हो गया है। तो मैं सोच रहा था कि एक दिन में टाइम लेके, थोड़ा सा मतलब अच्छे से टाइम लेके गंगोली हाट की बहुत सारी जगह, मतलब जैसे ये वाली जगह है ऊपर पे एक मंदिर है, इस साइड हो गया, यहाँ चामुंडा हो गया, मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस लाइन हो गया, और फिर आगे GIC हो गया, इधर साइड कुंजनपुर, ऊपर यहाँ गर्ल्स स्कूल है, ये मतलब यहाँ जाके पूरा एक वीडियो ऐसा बनाऊँ जिसमें मतलब गंगोली हाट दिखे पूरा, मतलब जितना मैं दिखा सकूँ गंगोली हाट का एरिया वो सब दिखाऊँ। तो किस किस को देखना है प्लीज़ कमेंट करना, तो जल्दी ट्राई करके ऐसा एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। और अगर मैं इधर उधर सिंपल जाके दिखाऊँ तो उतना मज़ा नहीं आएगा। अगर किसी के पास ड्रोन हो गंगोली हाट में, आपके जानने में किसी के पास हो या फिर आपके पास हो जो आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना मेरी इंस्टा आईडी पे। तो चलेंगे एक दिन करेंगे, और जो भी आपके चार्जेस होंगे, चार्जेस लोगे तो वो भी दे देंगे, और फ्री कर दोगे तो फिर बात ही क्या यार, मज़ा आ जाएगा मतलब। तो बताना प्लीज, इस टाइप का सोच रहा था मैं, एक ड्रोन व्यू हो, थोड़ी रील्स हो इस टाइप का। और ये देखो स्नेहा का तो लंच वंच बनने लग गया है। क्या बन रहा है आज लंच में, मसाले वसाले भरे जा रहे हैं, क्या बन रहा है लंच में आज? मसाले कैसे लाए वापस घर रखे, देखो पैकिंग कितनी अच्छी करके लाया। कोई नहीं, तो क्या हो गया, इसमें तो ठीक ही लग रहा होगा। अच्छा इसमें है आलू, शिमला मिर्ची, क्या बन रहा है? पुलाव बनाया जा रहा है, बहुत सही, बनाओ बनाओ। तो स्नेहा तो लग गई है लंच की तैयारी में, आज बनाया जा रहा है पुलाव। मैंने थोड़ी देर में कहीं जाना है, लंच वंच करके ही जाता हूँ अब। मुरली का सौर सुनी या भरिए गुफा पिल मेरो बड़ा मन दुख है जो। तो आज 3 दिन के बाद शॉप में आने का टाइम लगा है, तो मैं आया हुआ था यहाँ रैक्स वगैरह बनवानी थी, तो मिस्त्री के साथ आया था मैं, तो वो थोड़ा एस्टीमेट बता देंगे मेरे को, मेटल वाली रैक या फिर ये बोर्ड वाली रैक लगाऊं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन चल रहा है अभी, तो शुरू करना है अब काम। और बाहर से कुछ ऐसा है शॉप का लुक, जो लोग गंगोली आर्ट्स हैं वो तो समझ जाएंगे कहाँ पर है।
काफ़ी दिनों से सोच रहा था ना कि एक दिन शाम का नज़ारा भी दिखाऊंगा आपको गंगोली आर्ट का। तो ये देखिए, ये है पोस्ट ऑफिस वाली लाइन, ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है। और इधर ऊपर साइड अंधेरा, और ये सामने पे यहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा मेरा हाथ दिख रहा है तो, और देखिए सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे चल रहा है भागवत, जहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स जली हुई है ना यहाँ पे। तो यार आज शाम को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कुछ शूट करने का। सोचा तो था मैंने बहुत कुछ, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि मैं चले गया था मिस्त्री लोग के साथ थोड़ा सा कंसल्ट करने के लिए शॉप के बारे में, जो रैक्स वगैरह बनवानी थी उसके बारे में। तो फाइनली एक मिस्त्री से बात हुई है, तो कल तक वो दे देंगे मेरे को एस्टिमेट बना के, तो कल से ही काम शुरू भी हो जाएगा। और पता नहीं वो दुकान में ही जाके करेंगे रैक का काम या अपनी शॉप पे करेंगे, जहाँ भी करेंगे। एक बार अंदर का रैक का हो जाए ना, फिर मैं निकल जाता आराम से दिल्ली के लिए। एक दो दिन बीच में काम तो मतलब दो तीन दिन पहले ही शुरू हो जाना था, लेकिन एक दो दिन में थोड़ा अलग कुछ कामों में बिजी हो गया, इस वजह से वो सब नहीं हो पाया। तो कल से फाइनली ये सब काम शुरू हो जाएगा। बाकी दिल्ली जाएंगे एक डेढ़ हफ्ते के लिए, तो वो सब भी आपको दिखाएंगे वहाँ का। वहाँ से तो काफ़ी सारी पुरानी यादें हैं, तो वो सब भी दिखाएंगे। बाकी ये देखो, स्नेहा कर रही है काइनो की मालिश, काइनो की मस्त मालिश चल रही है इस टाइम पे। फिर उसके बाद स्नेहा लग जाएगी अपना रात का डिनर विनर बनाने में, और मैं काइनो के साथ थोड़ी देर खेलूँगा, फिर लग जाऊँगा व्लॉग एडिट करने में। तो रात के बज रहे हैं 10, और काइनो अभी अभी उठी है हमारी, और थोड़ी बातें कर रही थी अभी तक मेरे से। चल कर तो कुछ करेगा बातें, कुछ तो बोल, आओ आओ करना जो करता है तू। अभी तक ना इतने आओ आओ कर रही थी। ये कौन है? अब करेगी। ऊपर कौन है वो? गुड नाइट।